लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा वहम होगा। ओह माय गॉड, मुझे पता है तुम ही हो। संजू,
अभी तक वही सोच रही हो? कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक। नहीं, मैं नहीं पीती। इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम है। प्लीज, मैं नहीं पीती। इसे एक बार पीकर तो देखो, तेरे पीछे जो भूत भूत पड़ा हुआ है ना, वो अपने आप दुम दबाकर भाग जाएगा। अच्छा। एक बार लेकर तो देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यो। ए। वाओ। ग्रेप के जूस के टेस्ट जैसा है। वन मोर। लो। ये क्या, पानी की तरह पी गई? Oh my God! Hey! ऐसा लग रहा है जायंट हिल में बैठी हूँ। जस्ट एंजॉय द फील। मैं रूम में जा रही हूँ। प्लीज कम पास, आई एम वेटिंग। Shalay।
मन से भी तू प्यार कर ले। इस प्यार में जन्नत सभी तू देख ले। छाए मदहोशी दिल में मेरे अरमां जगे। इन भीगे हुए तो जिस्मों में अगन सी लगे। प्यार मुझे कर ले, बाहों में ले ले, तन मन में मेरे भड़के हैं शोले। प्यार कर ले, बाहों में ले, तन मन में मेरे भड़के शोले। क्या हुआ गौरव? वो कम ऑन संजना, रोमांटिक सपने देखने की एज में हॉरर सपने देख रही हो? गौरव, इट्स रियली सीरियस। कम ऑन संजना, पिछली बातें फिर से मत दोहराओ। गौरव, आखिर तुम मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसमें समझने की क्या बात है? You are just pretending, I say. What? मैं pretend कर रही हूँ क्या? प्यार और शादी के मामले में pretend तुम कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सच है। अच्छा, तो फिर शादी क्यों postpone कर रहे हो तुम? Come on, tell me. Cool. क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? ठीक है, तो हम शादी कब कर रहे हैं? Tell me, what happened? बोलो, कब कर रहे हैं? टाइम आने दो। बताओ, टाइम आ चुका।
लाइक खतरों का सफर हो गए हम निडर चल पड़े पाने मंजिल को हर पल जी लो हंसते हुए आज का जाने क्या कल होगा किसे ये पता मिले ना दोबारा लाइफ ये बस मिले एक बार कौन हैं आप? हम वो क्या चाहिए आपको? हमें कुछ दिन रहने के लिए रूम चाहिए। रूम खाली नहीं है। सही में नहीं है? यहाँ सिर्फ एक ही रूम है, उसमें कितने लोग रहेंगे? तो वो रूम मैं किसी को भी नहीं देता। क्यों? बताने की जरूरत नहीं समझता। सर 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 प्लीज सर सर हम आपके भरोसे यहाँ आए हैं सर। अगर आप हमें एक भी रूम दे देंगे तो हम सब एडजस्ट कर लेंगे सर। हाँ सर प्लीज सर। हाँ सर सब लड़के होते तो जरूर दे देता, साथ में लड़कियाँ भी तो हैं। सर हम सब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में यहाँ रिसर्च करने आए हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन है, हमारे प्रोफेसर से बात कर। हाँ सर बात कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है रहने दीजिए। Thank you.
रमेश उठ उठ ना अबे बाप रे मुझे तो बहुत डर लग रहा चलो देखते हैं जंगल में घूमने निकले हो क्या नहीं हम सब शादी की दावत पर जा रहे हैं मेरी तो हालत ही पतली हो गई डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना जाकर सो जाइए चलो क्या हुआ वहाँ कुछ तो है इट्स ओके रिलैक्स आओ वहाँ पे
क्यों? चरने का प्लान बना रहा था, हाँ? सब चौपट हो गया। क्यों? पांडे जी, जंगल में कहाँ जाने से हमें अपने रिसर्च में मदद मिलेगी? देखिए, इस गेस्ट हाउस से 4 किलोमीटर दूर कहीं भी मत जाइएगा। क्यों? घना जंगल है ये, खतरा हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ। ओके गाइस, लेट्स ऑल डिस्पर्स एंड फिनिश आवर जॉब। ओके ओके, पहले वहां चलते हैं। मैं जो भी कहूंगा वो ठीक से लिखते जाना। ओके। हे, जरा वहां देखो वो ऊपर। हाँ? भगवान ये क्या हो रहा है? बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ। उठो ना ए राजेश, ए राजेश उठो ना यार, ए उठो ना, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रहा है? आवाज सुनो, पायल की आवाज सुनो। यार राजेश, वो भूतनी यहाँ आ गई है, अब हमारी कहानी खत्म। मुझे नींद नहीं आ रही है क्या? इतनी रात में सबको उठा दिया तूने। ए टॉर्च मुझे दे, चलो चलकर देखते हैं। ए, तुम लोग ही जाकर देखो, मेरे माँ बाप ने मुझे अंधेरे में घूमने की इजाजत नहीं दी यार। प्लीज, मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है, तुम लोग ही देख के आओ ना यार। उस भूतनी को कहाँ देखा, कैसे पता चलेगा? चल प्लीज। ए बारा, कहाँ देखा तूने उसे? वहां। आजा देखते हैं। आप है क्या? कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। मैंने आप लोगों को मना किया था ना, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? वैसे आप हमें हमेशा डराते रहते हैं ना, वो भूतनी आपको कुछ नहीं करती क्या? आप तो बड़े आराम से घूमते फिरते रहते हैं। सिर्फ अमावस्या में दिखाई पड़ने वाली भूतनी आजकल रोज दिखाई दे रही, इसका मतलब तुम लोगों का बुरा वक्त चल रहा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर सो जाओ। चल यार। देखो दोस्तों, अगर तुम सबकी मौत उस भूतनी के हाथों लिखी होगी तो तुम लोग सब यहीं रहोगे, या फिर इसी वक्त मेरे साथ चलोगे। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों बे, यहाँ रिसर्च पे आने से पहले तू तो बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें कर रहा था, उसका क्या हुआ? हमारे काम को देखकर पूरी दुनिया हिल जानी चाहिए, याद है तूने क्या क्या नहीं कहा था? तो अब क्या हुआ? हाँ, जान है तो जहान है मेरे भाई, अगर हम यहीं पर रुके ना तो हमारी लाश को देखकर लोगों की रूह कांप उठेगी, वो भूतनी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी यार। ओए कायरों की तरह बात मत कर, वो पायल की आवाज भूतनी की ही थी, ये तू कैसे कह सकता है? इस बात का जवाब तुझे मरने के बाद ही मिलेगा। ए मुरली, अनीता स्वाति जितनी भी हिम्मत नहीं तेरे में, वो लड़कियां होकर चुप है और तू साला लड़का होकर टेंशन ले रहा है।
ए मुरली, अगर हम सब साथ रहेंगे ना तो वो भूतनी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग लड़कियां हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम लड़के हैं इसलिए उड़ा ली जाएगी क्या? हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करके जाएंगे, समझ गए ना? इसने जरा सी तारीफ क्या की, तू तो झांसी की रानी बन गई। इनकी बात सुनकर यहाँ रही ना तो तू भी मरकर भूतनी बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो पहले तेरा ही गला दबाऊंगी। देख, फिलहाल तो हम कोई भी तेरे साथ नहीं आने वाले, अगर फिर भी तू जाना चाहता है तो चला जा। हाँ जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा। जा जा जा, वैसे भी तू अकेला होगा, पता है ज्यादातर जो इंसान अकेला होता है ना उसी पर भूतनी हमला करती है। जाना जाना। उसके लिए भी ना कह रहे हो, कैसे दोस्त हो तुम लोग? ओए मुरली, क्या यार बच्चे की तरह रो रहा है। देख, हम अपनी जान लगा देंगे तुझे उस भूतनी से बचाने में, क्यों, क्या कहते हो भाई? बचाएंगे। हम सब यहाँ एक साथ आए, एक साथ ही जाएंगे, ठीक है? डोंट क्राई, चीयर अप, चीयर अप। ए बोलो ना इसे यार। कुछ पंछियों की आवाज आ रही है। अरे हाँ यार,
होगी कभी भी मुझे ढूंढो तुम ढूंढो कहीं भी मुझे ना पा सकोगे कभी भी मुझे वीरा मेरी राहें भीगी है निगाहें मिलती ना कहीं भी पनाहे मुझे तुम मेरे दुश्मन वॉचमैन मेरा नाम वॉचमैन नहीं है पांडे है पता नहीं था अब पता चल गया है आप लोग कौन हैं मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ नाम जगत प्रकाश है ये मेरे कैमरामैन है विल्सन मार्कस ये मेरे आर्ट डायरेक्टर चित्रसेन गुप्ता हम यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने आए हैं हमें दो दिन के लिए रहने के इंतजाम करवा दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी फिलहाल तो कोई कमरा खाली नहीं है यहाँ 6 स्टूडेंट्स आए हुए हैं कुछ रिसर्च करने के लिए गाड़ी धोली ना पांडे जी हाँ देखिए वो आ गए हाँ क्या हुआ हेलो सर नाइस मीटिंग यू मैं फिल्म डायरेक्टर जगत प्रकाश हूँ सर हमें यहाँ सिर्फ दो दिन रहना है थोड़ा अपने साथ एडजस्ट कीजिए ना सर हमें जगह कम पड़ती है इसलिए हम हॉल में सोते हैं अगर आपको हॉल में सोना मंजूर है तो कोई बात नहीं है ओह यू मीन आई जस्ट शूटिंग ओके ओके नो प्रॉब्लम चलो अपना सामान निकाल लो ए ये तू क्या कर रहा है यार दिखाई नहीं दे रहा है क्या घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ अरे घर जाने जैसा क्या हुआ है यार तो यहाँ रहकर क्या करूँ मेरा कैमरा कहाँ है मेरा कैमरा नहीं है किसने लिया बताओ कैमरा हमने तो नहीं लिया साले मेरी तरफ क्यों घूर रहे मैं भला क्यों लूंगा तेरा कैमरा मेरे घर में तुझसे भी लेटेस्ट मॉडल का है अनिता स्वाति अबे मोटू हम क्यों लेंगे तेरा कैमरा बाहर गए तो उस रेंजर का टेंशन है रात को उस भूतनी का टेंशन है और घर में तुम लोगों का मेरा कैमरा तो गुम हो गया अगर यहाँ और रहा ना तो मैं भी गुम हो जाऊंगा एक काम करता हूँ पहले डैडी को फोन लगाता हूँ उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ फिर उनके साथ अरे सिग्नल ही नहीं है यहाँ टावर का प्रॉब्लम है यार सिग्नल नहीं मिलता वैसे भी हम कल घर जा रहे हैं वहाँ सिग्नल मिल सकता है फोन कर लेंगे सही बात है अब प्लीज बहुत रात हो गई सो जा नहीं बाबा मैं तुम लोगों के साथ नहीं सोने वाला मैं ना लड़कियों के साथ सो जाता हूँ लड़कियों के पास भूतनी नहीं आती ए मोटू अगर तू यहाँ आया ना तो हम भूतनी बनकर तेरी जान ले लेंगे चुपचाप यहीं पर सो जा
यस, ये लोकेशन बिल्कुल मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से है, एकदम परफेक्ट है। यस यस, इमेजिनेशन के लिए पैसा नहीं लगता। शुरू हो गया इन दोनों का झगड़ा। एक दो तीन चार पाँच, तुमसे जो बोला जाए वैसा ही शॉट लेना, बड़ा ही नाटक मत करना। डायरेक्टर साहब, ये पेड़ हमारे कंसेप्ट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ऐसा लग रहा है सर। अच्छा, तो क्या करें बताइए, क्या करें सर? इसको काट देते हैं सर। सर, वहां से लेकर यहाँ तक अगर वुडन कॉटेज बनाएंगे तो ये पेड़ फॉरेस्ट के बैकग्राउंड के लिए काफी बढ़िया होगा सर। ऐसा क्या? आप एक काम करिए, आप ये नाप तोल करते रहिए, मैं थोड़ा दूर जाकर लोकेशन देख कर आता हूँ। ओके, ठीक है सर। मार्कस, आओ मेरे साथ। यस सर। 2 feet, किसने मार डाला सर? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? इसने तो सिर्फ एक पेड़ काटने की सोची थी सर। हमने यहाँ आकर एक अच्छे इंसान को खो दिया, उसके बिना वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर आप लोगों ने हमें रहने के लिए यहाँ जगह नहीं दी होती तो हम भी जंगल में मारे जाते। एनीहाउ, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ रोज कोई ना कोई घटना घटती जा रही है। पहले वो भूतनी पीछे पड़ी, फिर वो पागल रेंजर, और अब कोई खूनी भी पैदा हो गया। और तो और मेरा कैमरा भी गायब हो गया। मैं नहीं चाहता कि अब किसी की जान जाए। चलो यहाँ से चलते हैं। किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया होगा या किसी चीज से टकराकर उनकी मौत हो गई होगी। इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ तो तू लोग काहे डरे थे?
कम ऑन यार, परसों देखा तो जंगल में तुम अपनी ही धुन में कहीं चले जा रही थी, लग रहा था जैसे किसी को फॉलो कर रही हो, और अब देखो चुड़ैल को देख रही हो, और तो और कह रही हो कि चुड़ैल तुम्हारी तरह दिख रही थी। ये सच है राजेश, माय गॉड आई स्वेयर। हाँ, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को ज्यादा आईना नहीं देखना चाहिए, अपने आप को देखकर डरोगी तो मेरा क्या होगा। गेट लॉस्ट। ए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, रुको। गेट लॉस्ट। अरे बाबा रुक जाओ प्लीज। गो टू हेल। इतनी सी बात पे नाराज होते हैं क्या? रुको अनीता। अनीता क्यों इतना परेशान कर रही हो, प्लीज सामने आओ। अनीता कहाँ हो तुम? तुम यहाँ हो? राजेश, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। It's okay, cool, cool. या कुछ तो है, मैं हूँ ना। देखो, आओ, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो, फिकर मत करो। सर, अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। अरे हमारा दिमाग खराब है जो यहाँ रुकेंगे। बात क्या है, सब एक साथ ही चल दिए। ये जगह, ये वातावरण, यहाँ के किसी भी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए अब जा रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी काम हो उसे अधूरा नहीं छोड़ते, जिस काम से आए हैं उसे कीजिए। आप लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं, यहाँ जरूर कोई दुष्ट शक्ति है। अब देखो ना, यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बेवजह यहाँ रहकर मरने के बजाय यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। चलो। हाँ।
भगवान, सब हो क्या रहा है? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी, अचानक क्या हो गया? छे क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। शिट शिट, अब क्या करें यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ओ, मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। शिट, आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ है। There's something wrong with this. चलो, let's do something. Yeah. Yeah, चलो। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। हाँ। तो फिर वो पेड़ कैसे गिर गया? पेड़ की उम्र हो गई थी इसलिए गिरा। लेकिन हमारे रास्ते में क्यों गिरा? इससे पहले उसकी उम्र नहीं हुई थी क्या? ए, तू अपनी ये बकवास बंद कर, बेकार में सबको डरा रहा है। वैसे भी ये गलत क्या कह रहा है? ओ, तुम भी इसकी तरफदारी करने लगी? राजेश, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे भी यही लग रहा है। देखो, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मैकेनिक को ढूंढ कर लाते हैं। ओके ओके, यहाँ तक तो सब समझ में आता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना होने की क्या वजह हो सकता है? आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है।
मिलकर। तू क्यों बैठ गया? नहीं चल पाऊंगा, बहुत ठीक है यार, थोड़ी देर सब आराम कर लो, बैठो यहाँ पर। एक इंसान बेरहमी से मरता है ये बात तो मैंने सुनी है, सिनेमा में भी देख चुकी हूँ, लेकिन इतनी भयानक मौत भी हो सकती है ये मुझे आज पता चला। उस वक्त एक पल के लिए मेरी धड़कनें रुक गई थी, अब भी याद करती हूँ तो दिल घबराता है। मैंने कितनी बार बोला कि किसी और जंगल में चलते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, मुझे यहाँ लेके आ गए मरवाने के लिए। एक चुप हो जा, ऐसा कुछ होने वाला इसका सपना आया था क्या? Hey, चुप, अपना मुंह बंद कर, बात मत कर तू। Hey, देखा कैसी बातें कर रहा है? मुंह बंद कर अपना, जो मुंह में आया बकरा है, इज्जत से बात कर। Hey, क्या इज्जत की बात कर रहा है बे? इज्जत से बात नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ साला बड़ा आया अपनी चलाने वाला, ये सब कुछ तेरी ही वजह से हो रहा है। प्लीज रमेश, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, चुप हो जा। क्यों क्यों चुप रहूं मैं? हाँ बहुत बड़ा लीडर है क्या तू? जो कहेगा वही करूंगा मैं। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तू है। तू कैसे कर रहे? रमेश बात को समझने की कोशिश कर, शराफत से कह रहा हूँ, जबान संभाल कर बात कर। ए, उंगली किसको दिखा रहा है? क्या कर लेगा तू? आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। स्टॉप इट, स्टॉप इट। यहाँ तुम लोग लड़ने आए हो या रिसर्च करने आए हो? पहले ये सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे है। ए, अरे तुम लोगों के साथ चलूंगा तो मैं घर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता वो हमारी कोई भी बात सुनेगा। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा ना तो खुद ही सही रास्ते पर आ जाएगा। चलो चलते हैं, चलो चलो। कम मैंने कितना कहा था हमारे साथ रहे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की, जिद करके चला गया और अपनी जान गंवा दी। जिसने उसकी जान ली है अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो उसे इसी आग में जिंदा जला दूंगा। हम एक एक करके मर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है?
ये भी उसी का काम है। लगता है वो दुष्ट शक्ति हम सबकी जान लेकर ही रहेगी। वो यही कहीं आसपास होगी, पता नहीं अब किसकी जान जाएगी। हिम्मत से काम लो स्वाति, हमें कुछ नहीं होगा। ये मासूम बच्चा मारा गया, हमारा भी एक आदमी मारा गया। अब सुबह होते ही जितनी जल्दी हो सके गाड़ी रिपेयर करो, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इस अंधेरे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल। अगर आपको रात भर यहीं पर रुकना है तो रुको, हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। चलो मरकस। या अब चले गए वो, सुबह तक वो शहर पहुंच जाएंगे और हम इसी जंगल में भटकते रह जाएंगे। जी तो करता इस आग में जलकर अपनी जान दे दूं। अनीता, हाँ। चलो चलते हैं। मगर कहाँ चलेंगे, किस दिशा में चलेंगे? कल रात को वो इसी दिशा में गए थे ना, हम भी इसी रास्ते से चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो चलते हैं। अनीता संभल कर, आराम से चलो। ए, ए, ए। चलो चलो। स्वाति, ए स्वाति, ए ए स्वाति, क्या हुआ? क्या हुआ स्वाति, क्या हुआ? नहीं होगा, मुझसे और नहीं चला जाएगा। एक तो बहुत भूख लगी है, ऊपर से डर भी सता रहा है। अगर मैं और चली तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा। Be brave स्वाति, बस और थोड़ी दूर, थोड़ी हिम्मत रखो, रोड बस पास में ही है। एक मिनट रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं होगा प्लीज, हिम्मत से काम लो स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो स्वाति हिम्मत रखो, चलो पानी पियोगे क्या? नहीं, ये लो पानी पी लो, पानी पी लो, आराम से आराम से। ओके ना, चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से ध्यान से। जब से आए हैं कुछ ना कुछ होते जा रहा है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। अनीता, क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? अरे जल्दी करो, अरे रुको, जल्दी भाग, जल्दी करो, जल्दी रुको, जल्दी भाग, आजा, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलना है। हे भगवान, जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो, जल्दी करो। अरे जल्दी, जल्दी भाग, रुको, जल्दी, जल्दी आओ, चलो। आ रहा हूँ।
ए रुको, ए मुरली आओ, ए मुरली जल्दी आओ, संभल के। ए रुक क्यों गया, चलना, हम यहाँ जितना रुकेंगे उतना ही हमारी जान को खतरा है। पर अब मैं तेरी बात नहीं मानने वाला, मुझे मेरे ट्याल पर मुरली मेरी बात सुन, मुरली सुन, मुरली मेरी बात सुन। चलो अनीता, हे भगवान, क्या लेकर आऊं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तुमने भी कुछ नहीं खाया, अब शहर पहुंचने तक हमें पानी से ही काम चलाना होगा। Ah!
रीता 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 राजेश रीता कौन है आप लोग? हम स्टूडेंट हैं। रिसर्च के लिए आए थे हम लोग। इस जंगल में? दोनों? नहीं, कुछ चार पांच लोग आए थे। वो कहाँ हैं? सब मारे गए। सब मारे गए। किसने मारा? उधर। Ha 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 ha!